क्या आपने कभी सोचा है क्या इंतजार कर रहा है? 50, 100 या 1000 सालों में हमने कई सारे सीन्स और होने वाली घटनाएं देखी हैं फिल्मों में। लोगों के साथ क्या होगा फ्यूचर में? एग्जाम्पल के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर का मानना है कि कुछ सालों बाद इंसानों की तरह दिखने वाले अमेजिंग रोबोट्स पृथ्वी को पूरी तरह भर देंगे और इसके लिए कोई रिवॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। और शायद हम इसको देखने वाले गवाह भी बन जाएं। फोटोज, जैसा कि आप जानते हैं, लोगों को कितना लंबा समय तय करना पड़ता है सीधे चलने में, यही चीज हम मंदिरों में देख सकते हैं। अगर डार्विन थ्योरी सही है तो इंसानों ने खुद को इन बालों से हटाया है। फोटोज, जैसा कि आप जानते हैं, लोगों को कितना लंबे समय तय करना पड़ता है सीधे चलने में, यही चीज़ हम बंदरों में देख सकते हैं। अगर डार्विन थ्योरी सही है तो इंसानों ने खुद को इन बालों से हटाया है। जैसे हम क्लाइंबिंग करना शुरू कर देते हैं और चलना है ना ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे पैरों की उंगलियां छोटी हो जाती हैं। अगर बड़े टोज बैलेंस बनाने में मदद करते हैं तो आपको एग्री करना चाहिए कि छोटे टोज का कोई स्पेशल पर्पज नहीं है, यह सिर्फ तकलीफ पहुँचाते हैं अगर यह किसी कोने या टेबल से टकरा जाए। पर समय के साथ हमारे 4 टोज हो गए, थैंक्स एवोल्यूशन। हाइट, एक प्राचीन समय का इंसान एक लंबे बालों वाला होगा, फेस को छोड़ के उसकी चाल भी अलग होगी और उसे टेंडर प्रॉब्लम भी होंगी, कपड़े एनिमल स्किन के बने होंगे और हाइट छोटी होगी। साइंटिस्ट के हिसाब से आदि मानव की हाइट 5 फुट होगी और ये हर सेंचुरी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। यह तब से दिखा है जब से ह्यूमंस ने खुद को डेवलप किया है। हाइट डिपेंड नहीं करती एक अच्छी डाइट और खाने पर, यही चीज़ हर देश में नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग किस तरह का खाना खाते हैं और किस खाने में कितना न्यूट्रिशन है ये देखा जाता है, जो कि हाइट बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। सेलेक्टिव हियरिंग, इस इंटरेस्टिंग चीज़ ने हमारे सुनने को अलग अलग कर दिया है। एक लंबे इवोल्यूशन के बाद लोगों ने सीखा है फोकस कर सकें किसी आवाज़ की ध्वनि को जो कि कानों द्वारा सुनी जाती है और चूज भी कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम जिसकी हमको ज़रूरत है। यह कोई जादू नहीं है, यह कितना अजीब है कि कई सारी ऊंची आवाज़ें और बातचीत हमारे आसपास होती हैं, जैसे कहीं जागरण हो रहा है या कहीं प्रचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो उसमें से काम की जानकारी हम निकाल ही लेते हैं, बाकी को सबको अनसुना कर देते हैं। यह सब हमारे ब्रेन का कमाल है, यह फिल्टर की तरह काम करता है। मीडिया और इंटरनेट पर फालतू की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं यूजलेस इन्फॉर्मेशन से, पर कुछ लोग उसमें काम की जानकारी निकाल के ही देखते हैं। हमको पता है कि क्या नॉइस है, क्या म्यूजिक है। इसका कोई रहस्य नहीं है कि प्राचीन लोगों की कितनी भी बॉडी हेयरी थी, मतलब कितने ज़्यादा बाल थे। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का कहना है कि हेयर ऑन आवर बॉडी इज जस्ट अ रूडिमेंट, हमारी बॉडी पर जो बाल हैं वो अभी मैच्योर नहीं है और ये पास्ट का हेलो है। जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएंगे कुछ सालों बाद। जो शरीर पर हेयर होते हैं वो हमको जमने से बचाते हैं और ख़तरनाक स्थिति से भी। मॉडर्न कपड़ों ने और मशीनों ने हेयर वार्मिंग सिस्टम को हटा दिया है बिल्कुल, इस वजह से फ्यूचर के लोग ज़्यादातर गंजे होंगे। सोचो आप बाहर गए हो और चारों तरफ लोगों के एक जैसे चमकने वाले सिर हों। मस्कुलर एट्रोफी, इवोल्यूशन ने उन साइंस से छुटकारा दिया है जिसकी लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। फैक्ट यह है कि ह्यूमिनिटी मसल मास को लूज़ करती जा रही है, यह समय का खेल है। साइंटिस्ट श्योर हैं कि हम अपने पूर्वजों से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं क्योंकि यह फिजिकल लेबर बदल गई है और संभवतः यह है कि इंसान का मसल मास स्पेस में कम हो जाता है। जानना चाहिए कि पृथ्वी पर वापस आने पर एस्ट्रोनॉट को अपनी फिजिकल फॉर्म को दोबारा रिस्टोर करना पड़ता है, मतलब दोबारा मसल्स को बनाना पड़ता है। लो इम्यूनिटी, लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे दवाइयों पर, मेडिसिन पर। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद उसके अंदर काबिलियत होती है कि सारी बीमारियों से लड़ सके, पर वो बिल्कुल वीक हो गया है। वैज्ञानिक की माने तो लोगों का भविष्य बीमारियों से लड़ नहीं सकेगा,
मॉडर्न मेडिकल ने एंटीबायोटिक्स की खोज तो कर ली है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही तो हो जाता है और ज़िंदगी के कई साल बढ़ जाते हैं, पर ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहे हैं। बॉडी में नेचुरल हीलिंग पावर ख़त्म हो गई है, बिना दवाइयों के जीना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मेमोरी इम्पेयरमेंट, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ भाग रही है जो कि हमारी याददाश्त पर अफेक्ट डाल रही है। लोग फैक्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं पर इंटरनेट पर हम फैक्ट्स को आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगर आप गूगल पर कुछ भी डालते हैं तो उससे जुड़ी फ़ोटोज, वीडियोस, न्यूज़ सब कुछ आ जाता है, जो खासियत है ढेर सारी जानकारी को याद रखने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दूसरों की नज़र में कूल बन जाते हैं। पर आज के समय में हर एक धरती का निवासी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जो हमारी आदत है नेट पर चीज़ों को चेक करने की। इससे हमारे ब्रेन को लगता है कि हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, भले आप अपने माइंड को कितना भी क्लियर कर लें। फ्यूर डिफरेंसेस, पहले के लोग इतना सफ़र नहीं कर पाते थे, पर उस समय एयरक्राफ्ट और ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी। अगर यह सुविधा उपलब्ध होती तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पिक्चर एक ही दिन में ख़त्म हो जाती और हर रोज़ एक फ्लाइट जाती उड़ के। पॉइंट ये नहीं है कि फ़्लाइट होती, पॉइंट ये है कि जो समस्या ट्रेवलर्स को किसी से बात करने में होती थी, किसी से संपर्क करने में, वो इन दिनों कम हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप इंडिया में रहते हैं और आपका फ्रेंड लॉस एंजलिस में, तो आप दोनों कैसे संपर्क करेंगे बिना इंटरनेट के? शायद आप कबूतरों की हेल्प लोगे जो मना कर देंगे इतनी दूर तक उड़ने पर। आज की टेक्नोलॉजी की वजह से बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो गई हैं। यह कोई मल्टीकल्चर नहीं है, बस हम सीख रहे हैं एक दूसरे को कैसे समझ सकें, नए दोस्त बना सकें और सब कुछ स्वीकार कर सकें। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो बहुत जल्दी बॉर्डर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। विजडम टीथ, यह टीथ कोई दिमाग नहीं बढ़ाता है बल्कि तकलीफ ही देता है। ये एक मोलार है जो कोई काम का नहीं है, क्यों बढ़ता है जब इसका कोई यूज ही नहीं है? बात यह है कि हमारे पूर्वज के जो पूर्वज थे उनका बड़ा जबड़ा हुआ करता था, क्योंकि जो खाना वो खाते थे वो थोड़ा ठोस हुआ करता था। अगली बार आप डेंटिस्ट पर जाएं और इस टूथ को निकलवा दें, यह इमेच्योर दांत है, समय के साथ उगना बंद भी हो जाएगा। पूरी दुनिया में 25% लोग इस बिना विजडम टीथ के जन्म लेते हैं, यह बस दर्द करता है और कुछ नहीं, पर कुछ जेनरेशन के बाद यह बिल्कुल गायब हो जाएगा। वेब्ड हैंड्स, यह थ्योरी अजीब लग सकती है, फनी भी और बिल्कुल पागल भी, पर इसके भी फॉलोअर्स हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट मैथ्यू स्कीनर जो ग्लोबल वार्मिंग को दोष दे रहे हैं। कल्पना करिए कि एक सिचुएशन है जो अर्थ को क्लाइमेट है वो सॉफ्ट हो गया है, ग्लेशियर्स पिघल गए हैं, नदियाँ, तालाब वो सब कुछ डुबा चुकी हैं और पूरा प्लेनेट एक बड़ा पूल बन गया है। सब कुछ मिला के इंसान अंडर वाटर हो जाए, हम खुद को थोड़ा बहुत बदल लेंगे। स्कीनर की माने वेब हमारे वेब्ड हैंड्स आ जाएंगे और गिल्स भी, गिल्स मतलब जिससे मछलियाँ ऑक्सीजन लेती हैं, उसी तरह हम भी हो जाएं तो कैसा रहेगा? वैसे तो कई सारी थ्योरी से मानने के लिए, जैसे ICS के वक्त नोज़ बड़ी हो जाएगी, पैरों की उंगलियाँ बड़ी हो जाएंगी जब जीरो ग्रेविटी में होंगे हम। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंसानियत को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, टेलीकिनेसिस, टीथ या कोई और? कमेंट्स में मुझे बताएं।